कानपुर नगर से है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्या मोर्चा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्या मोर्चा ने राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर मुजफ्फर खान मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्या मोर्चा के अध्यक्षता में भावपूर्ण श्रद्धांजलि कानपुर बड़ा चौराहा पर दी और इस विभत्ति घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसा घृणित कार्य करने वाले लोग मुसलमान नहीं हो सकते। इस प्रकार के लोग तालिबानी सोच वाले लोग हैं। राजस्थान सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ऐसे कृत्य करने वालों की रूह कांप जाए। कोई भी ऐसी घटना को कभी अपने जहन में सोचकर अंजाम ना दे सके। देखिए, उदयपुर में जो घटना घटित हुई है, सबसे पहले मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी मानसिकता वाले लोग हमारे देश में नहीं होना चाहिए। मैं सारे हिंदुस्तान की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे देश में भाईचारा और देश में शांति बनाए रखे और देश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखे। ये हाथ जोड़ के मेरी अपील है देश के लोगों से कि देश में शांति बनाए रखे, और जिन्होंने भी ये काम किया है वो मुसलमान नहीं हो सकता है, क्योंकि मुसलमान इसका पुरजोर मजम्मत करता है कि ऐसे लोगों को मैं कानून से मोतबाना गुजारिश करके मैं ये अपील करता हूँ कि जितनी भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है उन अपराधियों को, उन वैश्यों को देना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं हैं, वो तालिबान सोच रखने वाले लोग हैं। मैं इसीलिए ग्लोत सरकार से ये गुजारिश करता हूँ, राजस्थान सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी सज़ा दे जो दुनिया में एक मिसाल बन के रह जाए। कभी कोई किसी का कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, उसके कत्ल के बारे में सोच भी ना पाए। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।